हेलो भाई, मैं अंकित भाई। आज अपने पास हीरो की एक्सट्रीम 160 आर का स्टेल्थ एडिशन। अभी भाई जिन लोगों को बिल्कुल ही नकेट गाड़ी पसंद है उनके लिए ये गाड़ी भाई सोने पे सुहागा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी लुक देखो भाई, ब्लैक में क्या लगती है यार, एक नंबर। आज मैं आपको इसी गाड़ी की सारी जानकारी दूंगा, एक्सट्रीम 160 आर स्टेल्थ एडिशन का। उससे पहले इसके वेरियंट और कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें अपने को इवन चार वेरियंट मिल जाते हैं। एक सिंगल डिक्स आता है, एक ड्यूल डिक्स आता है, एक 100 मिलियन एडिशन आता है और एक टॉप एंड वेरिएंट जो आप देख रहे हो स्टेल्थ एडिशन। लगभग 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। जो जो कलर ऑप्शन मिलता है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। बाकी लुक के बारे में भाई कहना ही नहीं है, एक नंबर अपने को लुक मिलता है भाई। हेड देख लो, हेड भाई इस तरीके का अपने को मिलता है। मेरे को भाई पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा अगर और भी हेड बड़ा होता तो मज़ा आता, लेकिन ठीक है यार, इवन नकेट गाड़ी के लिए ये हेड एक नंबर अपने को लगता है भाई। अभी देखो ऐसे तो आपको बढ़िया नहीं लग रहा होगा, बाकी जब इसका इग्निशन ऑन करते हो ना तो इस तरीके का लुक आता है ना भाई, इवन दिल को छू जाता है भाई। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन आपको आगे चल के करूँगा। यहाँ पे हीरो का लोगो मिल जाता है, ये 3D अपने को मिलता है। बाकी हेड भाई अपने को बिल्कुल ही अट्रैक्टिव मिलता है। अभी देखो इसको स्टेल्थ एडिशन क्यों बोलता है हीरो, वो आपको आगे चल के बतलाऊंगा भाई। इसमें कुछ कुछ खासियत दे रखा है, अदर वेरियंट से इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलता है। बाकी इंडिकेटर देख लो भाई, अपने को फुल्ली LED मिलता है। इसी सेगमेंट में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो सब में आपको फुल्ली LED लाइट नहीं मिलता, लेकिन ये एक्सट्रीम एक ऐसी गाड़ी है हीरो आपको ऑल LED लाइट प्रोवाइड करता है। फीचर्स दे चाहे ना दे, मगर LED लाइट दे रहा है भाई, और क्या चाहिए लोगों को। बाकी नंबर प्लेट माउंट अपने को मिल जाता है और इस तरीके का अपने को भाई एंटी फ्रिक्शन बूस्ट वाला सस्पेंशन दे रखा है। देख लो कितना मोटा मोटा सस्पेंशन देख रखा है, मतलब कंफर्टेबल आपको भर भर के मिल जाएगा। अभी मडगार्ड की बात करते हो तो देख लो, मडगार्ड अपने को काफ़ी हैवी मिलता है भाई। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल ही हैवी सा आपको मडगार्ड मिलता है। और ब्रेकिंग की बात करते हो तो इसका भाई, इसमें अपने को सिंगल ही चैनल ABS मिलता है। यहाँ पे ABS की बैजिंग मिल जाती है। फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क मिल जाता है। अगर आप इसका यही वाला वेरिएंट लेते हो तो रियर में भी आपको 220 mm का डिस्क मिलेगा। अगर आप इसका ड्रम वाला वेरिएंट लेते हो, जो फ्रंट में मतलब डिस्क है और रियर में ड्रम लेते हो, तो वो तो भाई फ्रंट में 276 mm का डिस्क ही मिलेगा, बाकी रियर में 130 mm का आपको ड्रम मिलता है। अभी एलॉय की बात करते हो ना भाई, भाई एक नंबर अपने को स्प्लिट एलॉय मिलता है। गाड़ी गिरे ना भाई, देख लो एक नंबर अपने को स्प्लिट में एलॉय मिलता है। बाकी यहाँ पे ABS की बैजिंग दे रखी है। अभी टायर सेक्शन की बात करते हो तो देख लो भाई, अपने को टायर मिलता है। अभी दिख नहीं रहा भाई, मैं देख लेता हूँ। इवन टायर अपने को मिलता है भाई, हाँ यहाँ पे लिखा है 100x80x17, मतलब ये 100 है, ये 80 है, बाकी 17 इंच का अपने को एलॉय मिल जाता है। अभी ये टायर भाई रेडियल टायर नहीं मिलता, बस ट्यूबलेस टायर दे रखा है MRF का। इसमें टायर कंपनी वालों ने दे रखा है। यहाँ पे अपने को दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है, देखो इस साइड भी दे रखा है। अभी राइट की बात करते हो तो आपकी एक्सट्रीम स्टेल्थ एडिशन इस तरीके की लुक निकाल के देती है राइट से। इवन बढ़िया लगता है भाई देखने में, पर्सनली मैं आपको बताऊं एक नंबर गाड़ी लगती है। आपको कैसा लगता है ये भी मुझे बतलाना यार, कमेंट करके ज़रूर। फ्यूल टैंक देख लो भाई, अपने को फ्यूल टैंक काफ़ी मुस्कुलर था मिलता है भाई। रुको यार, गाड़ी गिर जाएगा फालतू में, देख लेता हूँ। हाँ देखो, फ्यूल टैंक अपने को इस तरीके का मिल जाता है। अभी अगर आप इसका अदर वेरियंट लेते हो ना तो इसमें आपको 3D नहीं मिलता ये वाला, लेकिन इसमें 3D दे रखा है। ये टॉप एंड वेरिएंट है एक्सट्रीम का, यहाँ पे स्टेल तो लिखा गया है, बाकी यहाँ पे हीरो की बैजिंग दे रखी है। देखो यहाँ पे भी अगर 3D दे देते हैं तो और भी बढ़िया लगता देखने में, बाकी कंपनी वालों का कुछ अलग ही सोच है भाई। फ्यूल टैंक अपने को बहुत ही मुस्कुलर सा मिलता है, यहाँ पे कुछ लिखा गया, आप जब गाड़ी परचेज करोगे तो आप पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे फ्यूल फिलिंग का सिस्टम, यहाँ पे एक्सट्रीम 160 आर लिखा गया है। रेड कलर में देख लो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी सीटिंग पोस्चर वगैरह एक नंबर अपने को मिलता है। यहाँ पे प्रोग्राम FI की बैजिंग दी गई है। बाकी इंजन अपने को इस तरीके मिल जाता है। अभी देखो मैंने आपको बताया कि स्टेल्थ एडिशन में कुछ आपको खासियत मिलता है, इसीलिए इसका नाम कंपनी वालों ने स्टेल्थ रखा है। देखो ये तो ब्लैक में तो बीस दिखता ही दिखता है, साथ में ये रेड का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है ना। देखो यहाँ पे रेड दे रखा है, यहाँ पे रेड दे रखा है, पीछे वाले टायर पे रेड दे रखा है, वहाँ पे 160 आर के साथ रेड दे रखा है। उससे भाई इसका लुक एक नंबर अपने को निकल के मिलता है भाई। इंजन अपने को फुल्ली ब्लैक में मिलता है। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह अपने को एक नंबर मिलता है। एग्जॉस्ट सिस्टम आगे दिखलाऊंगा। यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है। बाकी इसमें क्रैश गार्ड वगैरह अभी इंस्टॉल नहीं है, आप जब गाड़ी परचेज करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी हॉर्न देख लो, अपने को इतना बड़ा सा हॉर्न मिलता है, सिंगल ही हॉर्न दे रखा है। अभी इसमें आपको कीक स्टार्टर भी मिल जाता है। इसी सेगमेंट में आपको अदर गाड़ियाँ लेते हो, अपाची वगैरह लेते हो तो आपको कीक स्टार्टर नहीं मिलता, इसमें कीक स्टार्टर मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इंजन की बात करें तो भाई इसमें अपने को 163 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि 4-stroke एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है भाई। अभी देखो इसी सेगमेंट में आपको अपाची वगैरह भी मिल जाता है, तो उसमें लिक्विड कूल इंजन आता है, लेकिन इसमें भाई एयर कूल दे रखा है, ये थोड़ा सा है। बाकी एयर कूल भी इंजन ख़राब नहीं होता भाई। देखो इसका इंजन ठंडा होने के लिए कंपनी ने कुछ कॉस्मेटिक मतलब देखो बना रखा है। यहाँ से देखो हवा जाने के लिए, यहाँ से देखो, इवन देखो
यहाँ से दे रखा है हवा, यहाँ पे स्पार्क प्लग पे डायरेक्ट आए, ये थोड़ा इंजन को ठंडा रखेगा। बाकी लिक्विड कूल्ड इंजन, लिक्विड कूल्ड इंजन होता है भाई, एयर कूल्ड होता है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता आपको, अदर वीडियो में मैं बता दूंगा क्या डिफरेंट होता है। बाकी ये हो गया ब्रेक वाला, ये हो गया राइडर, ये हो गया पिलियन। इस पे अपने को रबर मिलता है, इस पे रबर नहीं दे रखा है। बाकी यहाँ पे एल्युमिनियम की फिनिशिंग मिलती है ना, जिससे बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे 160R की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे भी ग्राफिक्स दिया गया है। अभी देखो यहाँ पे भी ग्राफिक्स दे रखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैट के फिनिशिंग के साथ ग्राफिक्स दे रखा है, बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है, यहाँ पे ग्रैब रेल ना देके कंपनी वालों ने यहाँ पे ग्रैब रेल दे रखा है। बाकी एग्जॉस्ट की बात करते हो तो इस तरीके अपने को एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है। अभी इसमें सिंगल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, अगर ड्यूल बैरल होता तो मच भी बेटर, आवाज़ बढ़िया आता, लेकिन मैं आपको ये भी एग्जॉस्ट सिस्टम सुनाऊंगा भाई आगे चल के। बाकी रियर में मैंने आपको ब्रेकिंग वगैरह तो बता दिया, टायर की बात कर लेते हैं। तो रियर में अपने को मिलता है भाई, यार कहाँ पे गया, रुको इस साइड से मैं बताता हूँ आपको। ये 130 है, ये 70 है, बाकी 17 इंच का एलॉय मिल जाता है। अभी फ्रंट वाले से आपको रियर वाला टायर बहुत ही चौड़ा मिलता है भाई। बाकी रियर की बात करते हो तो देखो इस तरीके का लुक निकाल के देती है एक्सट्रीम 160R। देखो अभी जैसे साइड से देखते हो, फ्रंट से देखते हो, ऐसा इवन मैं पर्सनली बताऊँ तो रियर से वैसा नहीं लुक आता है भाई। पता नहीं यार, थोड़ा इंप्रूव हो सकता था, लेकिन ठीक है यार। इस तरीके का अपने को LED टेल लाइट मिलता है। बाकी ये मैं आपको जला के दिखला देता हूँ, देखो इस तरीके का जलते हुए दिखता है। बाकी इंडिकेटर मैंने आपको दिखला दिया, फ्लेक्सिबल मिलता है भाई। ये देखो यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिल जाती है, बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट दे रखा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट, बाकी मडगार्ड देख लो अपने को फ्लेक्सिबल मिलता है। अभी देखो कोई पीछे से ठोकता है ना तो भाई टूटेगा नहीं मेरे हिसाब से, बढ़िया फ्लेक्सिबल आपको मडगार्ड मिल जाता है। अभी लेफ्ट की बात करते हो तो देख लो भाई, लेफ्ट से अपने को इस तरीके का लुक निकाल के देती है एक्सट्रीम 160R स्टेल एडिशन। जैसा उस साइड डिजाइन मिलता है अपने को, वैसा ही इस साइड डिजाइन मिलता है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। इस तरीके अपने को ग्राफिक्स मिल जाता है, यहाँ पे भी हीरो की बैजिंग दी गई है, यहाँ पे स्टेल्थ एडिशन का स्टेल्थ नहीं लिखा गया यार, एक्सट्रीम स्टेल्थ लिखा गया। अभी देखो जैसे मैंने आपको उस साइड बताया, यहाँ पे अगर 3D रहता तो और भी बढ़िया लगता। बाकी इंजन वगैरह मैंने आपको दिखला दिया, ब्लैक में मिलता है, इसमें क्रैश गार्ड अभी इंस्टॉल नहीं है। इसमें ड्यूल स्टैंड मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, अपाची वगैरह रहते हो तो भाई हाँ ड्यूल स्टैंड आता है उसमें भी। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स इसमें मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये गाड़ी भाई 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, इसमें 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स नहीं दे रखा है कंपनी वालों ने। यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिल जाती है, बाकी गियर वाला आपको स्पोर्टी गाड़ी जैसा मिलता है, स्पोर्टी गाड़ी है तो स्पोर्टी गाड़ी जैसा ही गियर वाला मिलता है। पेरेंट्स वगैरह को थोड़ा दिक्कत होता है भाई यूज करने में, बाकी सबका अपना अपना चॉइस है भाई। ये हो गया राइडर के लिए, ये हो गया पिलियन के लिए, मैंने आपको दिखला रखा है। बाकी इसमें लेडीज़ के लिए फुटबैग वगैरह मिल जाता है, लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं है, गाड़ी आप परचेज करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। और ये सारी गार्ड हो गया, सारी गार्ड अभी इंस्टॉल है। अभी यहाँ की बात करते हो तो इस तरीके की दिखती है भाई आपकी एक्सट्रीम स्टेल्थ एडिशन। अभी नॉर्मल वेरिएंट भी लेते हो ना तो वैसा ही डिज़ाइन मिलता है भाई, ग्राफिक्स वगैरह कलर वगैरह देखने को अलग मिलता है। अभी देख लो कंट्रोल्स की पहले मैं बात कर लेता हूँ, मीटर के छोड़ो भाई, कंट्रोल यहाँ पे देख लो, इस यहाँ पे पासिंग का बटन मिल जाता है, यहाँ पे अपने को लो भी हाई भी मिल जाता है, यहाँ पे हजार्ड बल्ब मिल जाता है। अभी इसी सेगमेंट में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती है, मैंने आपको बतलाया, लेकिन ये हजार्ड बल्ब आपको नहीं मिलता। इसमें हजार्ड बल्ब दे रखा है, ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, हीरो ने काफ़ी अच्छा सोचा है। यहाँ पे अपने को इंडिकेटर मिल जाता है, इंडिकेटर का क्वालिटी अपने को एक नंबर मिलता है भाई, एक नंबर क्वालिटी दे रखा है। यहाँ पे हॉर्न का बटन मिलता है, हॉर्न ठीक है भाई, सिंगल हॉर्न है, उसके हिसाब से अपने को हॉर्न बढ़िया दे रखा है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच सेल्फ का बटन दोनों एक ही साथ मिल जाता है। देखो ये ऊपर के साइड करोगे तो किल स्विच हो जाएगा, नीचे के साइड करोगे तो सेल्फ हो जाएगा, ये बढ़िया है भाई, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी मिरर वगैरह की बात करते हो तो देख लो, मिरर आपको कंप्यूटर गाड़ी जैसा ही डिज़ाइन मिलता है, मतलब देखो अलग है लेकिन डिज़ाइन इवन वैसा ही मिलता है। अभी मीटर कंसोल की बात करते हो, उससे पहले मैं आपको की दिखला देता हूँ भाई, देख लो की अपने को इस तरीके मिल जाता है भाई। सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर में यही की आता है, एक्सट्रीम में यही की आता है भाई, की कम से कम देखो दूसरा गाड़ी ले रहा है, स्पोर्टी गाड़ी ले रहा है बंदा, तो थोड़ा की अलग होना चाहिए, अनोखा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे। ठीक है यार, फिर भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी मीटर देख लो, एनिमेशन अपने को इस तरीके मिल जाता है, इसमें अपने को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको RPM का पता चलता है, यहाँ पे का स्पीड का पता चलता है, यहाँ पे गियर का पता चलता है, यहाँ पे ऑडोमीटर, यहाँ पे टाइम, बाकी यहाँ पे फ्यूल गेज। अभी देखो अदर वेरिएंट लेते हो ना तो आपको गियर पोजीशन नहीं मिलता, लेकिन इसमें गियर पोजीशन दे रखा है, यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिल जाती है। बाकी इसके अलावा और कुछ ज़्यादा आपको इसमें फीचर्स नहीं मिलता। अभी देखो मैं ट्रिप वगैरह देखता हूँ भाई, इसमें कितना ट्रिप है, AB, हाँ इसमें 2 ट्रिप दे रखा है भाई। बाकी माइलेज वगैरह आपको नहीं मिलता भाई, इसमें 11,000 तक आपको वो RPM का लिमिट मिलता है, यहाँ पे मार्किंग मिलता है, बाकी यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। ये देखने में भाई काफ़ी प्रीमियम लगता है यार, ब्लू कलर में देख लो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। बाकी ये सब भी आपको ब्लैक में मिलता है, जिससे लुक एक नंबर लगता है भाई। यहाँ से देख लो, आगे से देख लो, पीछे से देख लो, लुक ब्लैक में भाई बीस्ट लगता है, मैं आपको पर्सनली बतला रहा हूँ। अभी भाई देखो मैं थोड़ा इसको हजार्ड बल्ब पे जला के आपको दिखलाता हूँ, देखो हजार्ड बल्ब पे क्या लगती है यार,
हजार बल का देखो यूज तो नहीं है, लेकिन भाई शो ऑफ करने के लिए एक नंबर अपने को लगता है। देख लो कितना बढ़िया लग रहा है। बाकी बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इंजन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें 163 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि फोर स्ट्रोक एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है भाई। अभी इसमें लिक्विड कूल इंजन नहीं आता। ये इंजन आपको मैक्सिमम 15 bhp का पावर और 14 nm का टॉर्क निकाल के देता है। मतलब पावर फिगर ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा आपको पावर नहीं मिलता। 15 bhp कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको पावर मिलता है। इनिशियल मिलेगा, टॉप एंड नहीं मिलेगा भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बाकी माइलेज वगैरह की बात करते हो तो माइलेज भाई अपाची के कंपैरिजन में ये गाड़ी आपको मस्त माइलेज देगी। माइलेज के बारे में आगे चल के बात करेंगे। बात कर लेते हैं भाई इसके कुछ डायमेंशन के बारे में। तो इसमें अपने को 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। रिजर्व वगैरह नहीं मिलता क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। बाकी इस बाइक का टोटली कर वेट है भाई 139 kg। अगर आप इसका अदर वेरिएंट लेते हो या फिर सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट लेते हो तो उसका कर वेट 138 kg चला जाता है, इसका कर वेट 139 kg है। बाकी सीट हाइट की बात करते हो तो इसमें अपने को सीट हाइट मिलता है भाई 790 mm का, जो कि ठीक है यार, जैसे 5'5" भी हाइट है ना आपका, तो आप आराम से चला सकते हो। बाकी मैं भी इस पे बैठ के दिखलाऊंगा आपको। तो अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई 167 mm का, जो कि इंडियन रोड के लिए ठीक है भाई, एक नंबर। आप स्पोर्टी गाड़ी ले रहे हो तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस से। अभी मैं इस पे बैठता हूं भाई, देखो मेरा हाइट 5'10" के अराउंड है। अभी यार देखो मैंने आपको बताया ना 5'5" भी है ना, तो आप आराम से इस गाड़ी को चला सकते हो। उससे कम हुआ ना तो थोड़ा आपको चलाने में दिक्कत होगा। बाकी हैंडलिंग वगैरह की बात करते हो तो देख लो भाई, थोड़ा आपको स्ट्रेट हैंडलिंग नहीं मिलता, मतलब ऐसा मिलता है जिससे आपको कंफर्टेबल वगैरह भर भर के फील होगा। बाकी पोस्चर वगैरह की बात करते हो तो देख लो, थोड़ा सा पैर आपको पीछे मिलता है जिससे आपको ये सब थाई सपोर्ट वगैरह बढ़िया से मतलब फ्यूल टैंक पे आ जाता है। जैसे इवन आप लॉन्ग ड्राइव भी करो इस गाड़ी पे तो आराम से आप चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये बात ध्यान देना भाई, अगर आपका हाइट 5'5" है ना तो आप आराम से चला सकते हो, उससे कम हुआ तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। बाकी इसको चलाएंगे तो भाई मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, देखते हैं भाई चलाने में कैसा है। अभी तक मैंने इस गाड़ी को नहीं चला रखा है। अभी मैं इस पे बैठा हूँ ना भाई, देखो अपने को पीछे इस तरीके का स्पेस मिल जाता है। इवन देखो मेरे को एक्सट्रीम में भाई देखो यही प्रॉब्लम लगता है बस, सीटिंग पोजिशन वगैरह का पीछे पिलियन का। अभी फैमिली के लिए ये गाड़ी देख रहे हो ना भाई, थोड़ा आपको दिक्कत होगा क्योंकि लेडीज़ वगैरह इस पर अच्छे से नहीं बैठ सकती। देखो यहाँ पे ऊंचा सा निकला हुआ है, तो इवन ये गाड़ी में नेगेटिव मेरे को लगता है, मैं पर्सनली आपको बतला रहा हूँ सीटिंग पोजीशन का। बाकी अगर इसमें कंपनी फ्लैट सीट देती ना तो यार इवन एक नंबर सीटिंग पोजीशन अपने को मिलता। ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा यार लेडीज धकमकाती है बैठने में। बाकी ग्रैबरेल वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है, ऐसे पीछे ना ग्रैबरेल दे के यहाँ पे ग्रैबरेल दे रखा है। अगर आप चाहो तो इंस्टॉल करवा सकते हो ऐसे करके, कुछ ग्रैबरेल आता है एसेसरीज में बतला रहे थे यहाँ के मैनेजर, तो वो आप अलग से इंस्टॉल करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, देख लो। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे भूल गया था इंडिकेटर, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर मिलते हैं भाई। यहाँ पे नीचे साइड स्टैंड वगैरह, माल फंक्शन, न्यूट्रल, पासिंग इंडिकेटर, ABS, लो फ्यूल इंडिकेटर। बाकी एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं भाई, न्यूट्रल में गाड़ी है, गाड़ी तो एकदम से स्टार्ट होगी भाई। भाई देखो मैंने इसको चला तो नहीं रखा है, लेकिन एग्जॉस्ट साउंड से पता चलता है भाई गाड़ी एकदम स्मूथ है, इसका इंजन एक नंबर अपने को मिलता है। अभी देखो मेरा एक दोस्त ही बतला रहा था, मैं आपको पर्सनली बतला देता हूँ कि इसका इनिशियल बढ़िया है लेकिन टॉप एंड वगैरह बढ़िया नहीं है। देखो अब मैं ड्राइव करूँगा तो भाई आपको बताऊँगा, मैं आपको पर्सनली बतला रहा हूँ। बाकी एग्जॉस्ट साउंड अपने को एक नंबर मिलता है, देखो यहीं से आप ऐसे बंद भी कर सकते हो। बाकी बात करें इसके प्राइजेज की, तो अभी भाई मैं खड़ा हूँ सरगुजा हीरो, देखो यहाँ पे सरगुजा हीरो अंबिकापुर में। अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हो, खासकर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो ना, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं इनके शोरूम में। यहाँ पे आपको हीरो का सारा गाड़ी देखने को मिल जाता है भाई, स्टॉक देखो इनका, स्प्लेंडर वगैरह का आपको इवन भाई हर गाड़ी देखने को मिल जाती है। आप इनके शोरूम में जरूर विजिट करें, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी बात करते हो प्राइजेज की, तो इस वाले वेरियंट का भाई एक शोरूम प्राइज है इस वाले शोरूम में 119,000 रुपये, और इसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है इस वाले शोरूम से 138,000 रुपये। इवन 138,000 में गाड़ी अपने को एक नंबर मिलती है भाई, लुक के मामले में कह लो। पावर फिगर भी ठीक है यार, मतलब जो बंदा लुक के लिए गाड़ी ले रहा है ना भाई, उसके लिए ये गाड़ी एक नंबर है भाई लुकिंग के मामले में। बाकी इसमें आपको और भी कलर मिल जाता है, अगर आप इसका नॉर्मल वाला वेरियंट लेते हो तो वो भी और भी सस्ता आ जाता है। इसका कंपेरिजन में अपाची वगैरह आती है तो अपाची आपको महंगा पड़ता है भाई, ये 139 के अराउंड पड़ जाती है आपको। बाकी इसमें ब्लूटूथ वगैरह देखने को नहीं मिलता, ना ही मैप वगैरह देखने को मिलता है। कि एक और चीज़ भाई, अगर आप अपाची लवर हो गए या फिर कुछ और गाड़ी लवर हो गए, इवन एक चीज़ आपको रियर में इसमें मिसिंग लग रहा होगा, रियर हगर। इस गाड़ी में आपको रियर हगर नहीं मिलता, अपाची वगैरह लेते हो तो रियर हगर मिल जाता है, लेकिन इसमें रियर हगर आपको नहीं मिलता। अभी रियर हगर नहीं रहता ना गाड़ी में, इवन एक नंबर लुक निकल गया था भाई, देख लो कितना रियर हगर के बिना बढ़िया लग रहा है। बाकी इसका हेडलाइट मैंने आपको नहीं दिखलाया, DRL तो दिखला दिया था, हेडलाइट नहीं दिखाया। देखो भाई जब हेडलाइट जलता है ना तो भाई एक नंबर अपने को लुक मिलता है, रोड प्रेजेंट की बात ही मत करो। ये DRL हो गया,
ये लो बीम हो गया, ये अपने को हाई बीम का मिलता है भाई। देखो ये हाई बीम अभी बंद कर रहा हूँ मैं, देखो ये इस तरीके का अपने को थ्रो मिलता है भाई। बढ़िया यार थ्रो दे रखा है, आँख चमक जा रहा है एकदम। बाकी माइलेज की बात करें तो भाई ये गाड़ी आपको जैसे देखो कंपनी तो वैसे 50-55 KMPL तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है, मगर आपको सिटी में भाई मेरे हिसाब से 40-45 KMPL तक अप्रोक्स माइलेज दे देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी भाई, क्योंकि 163 सीसी का इंजन है, 15 BHP पावर जनरेट करता है, तो 40-45 आपको माइलेज मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलो भाई मैंने यहाँ पे आपको एक्सट्रीम स्टेल्थ एडिशन का पूरा डिटेल्स बतला दिया, बाकी इसका जल्दी ड्राइविंग एक्सपीरियंस वगैरह या फिर माइलेज टेस्ट कह लो ऐसा आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा बाद में। बाकी एक चीज़ मैं भूल ही गया भाई, यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स मिल जाता है, बढ़िया लगता है भाई, रेड में ये दे रखा है ना, बढ़िया लगता है। चलो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।